नहीं, क्यों आमना? मैंने हसन मैंने जानबूझ के नहीं देखी। मैं आपको बताती हूँ क्यों। मैं देख सकती थी, मेरे पास वक्त भी था, मैं देख भी सकती थी। अभी तक मैंने सब एपिसोड देखी हैं उसकी। मैंने इसलिए नहीं देखी कि उसके जो तीन सेंट्रल किरदार हैं, एक है शाहान जो कि अदा कर रहे हैं जाहिद अनस, जाहिद, फिर है उल्फत जो अदा कर रही हैं सोनिया हुसैन, और फिर है शफक जो अदा कर रही हैं मंशा पाशा। जी इन तीनों एक्टर्स की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, एंड आई हैव सीन देयर वर्क एंड देयर वेरी गुड एक्टर्स। जाहिद अहमद का लास्ट प्रोजेक्ट इश्ते नसीब, सोनिया हुसैन सराब अभी जो कर रही है काम, एंड इश्ते नसीब, फिर मंशा पाशा, लाल लास्ट थिंग आई सॉ वाज लाल कबूतर। देयर थ्री ब्रिलियंट सोच एक्टर्स, चांदनी में आल्सो शी वाज वेरी सो गुड। चांदनी में शी वॉज ब्रिलियंट, थ्री वेरी सॉलिड एक्टर्स एंड थ्री एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अनोइंग कैरेक्टर्स। आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई इमेज ऑफ देम, मैं प्रिजर्व करना चाह रही Why हूँ। do you make me watch it then? You didn't tell me. I would have not watched it आई थॉट either. यू आर एंजॉयिंग इट, This episode wasn't enjoyable at बट all, क्या हुआ Amna. बताएं, Because क्या वो हुआ हसन आमना, बताएं। वो जो घर है, जो वापस जाहिद और उनकी फैमिली वापस मूव, शाहान और उनकी फैमिली जो वापस मूव हो गए हैं, शाहान की अम्मी, शाहान की दूसरी बीवी और शाहान का बच्चा. अब उल्फत उस तरफ, दूसरी तरफ अपने नाइट गाउन में रात पूरी सिगरेट फूंकती रही, और नूरी उसके अच्छा, साथ सिगरेट पीना शुरू कर जी दिया जी है, तो बात करती रही. सिगरेट लोडेड के पीते हुए नहीं पिक्चर्स, दिखाया उन्होंने, सिगरेट पड़ा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है. नॉर्मल और है कि स्मोकअप कर रही हैं, नहीं, सिगरेट, सिगरेट हाँ पी रही सिगरेट. तो हैं। उन्होंने एक डायलॉग भी बोला कि मर्द सिगरेट पिए तो उसके फेफड़े खराब होते हैं, औरत पिए तो उसका किरदार खराब होता है. बात सही है बात उन्होंने, ये जी। सही, मुझे एक डायलॉग अच्छा लगा उनका. एनीवे, तो वो नूरी से ये कह रही होती हैं कि मेरे बगैर तो उसका हलक, मेरा उसके नवाले पे पहला हक मेरा है, ये है वो है. और साइमल्टेनियसली हम देख रहे होते हैं दूसरी तरफ, ऑब्वियसली ना उनकी जो खाला है वो खाना खाती है, ना बच्चा खाना खाता है. तो शाहान शफक को कहता है कि सॉरी तुम उल्फत की चेयर पे बैठ गई हो, तो कैन यू कम सिट हियर? तो शी गेट्स पिस्ड ऑफ एंड शी ऑल्सो डजंट ईट. तो एंड में शाहान नवाला उठा के खाने लगता है और उससे भी नहीं खाया जाता, क्योंकि पहले नवाले पे उल्फत का हक है. दूसरी तरफ उल्फत नूरी को पूरी ये स्टोरी सुनाती है, जब मेरे मामा भरे मुझे खाला घर पे लेके आई, मुझे बाप के हाथ से खाने की बहुत आदत थी, मेरा नवाला हलक से नहीं उतरता था, और इसी असना में जब मैं खाना नहीं खा रही थी, एक हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ा और उसके चेहरे पे ये लिखा हुआ था कि अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और वो हाथ ऑब्वियसली यंग शाहान का था. तो हम पल्ले बड़े साथ में, और ये बड़ी एक उन्होंने स्टोरी बांधी, बैक समा स्टोरी बांधा, बैक बताइए स्टोरी आपको, एक बताई, सारा कुछ बताया, ये सारा राइट कुछ हुआ. बॉटम लाइन ये थी कि वो भी नहीं खाना खा रहे थे, ये भी नहीं खाना खा रही थी. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी वेक्स अप, वो बाहर टेरेस में सो जाती है, नूरी आती है, कहती है उठो उठो तुम क्या कर रही हो, क्या है? उनको तुम्हारी परवाह नहीं है. वो उसकी जो दोस्त है नूरी की, क्या नाम है उसका, व्हाटएवर, वो कह रही है कि वो तो सब हैप्पी हैं, सब हैप्पी गो लकी हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो, छोड़ो दफा करो. नूरी दोस्त है। हाँ नूरी की जो उधर अच्छा, मोहल्ले में रहती, पुराने मोहल्ले में. तो कहती है शकुरन, अच्छा ठीक है, मिसिज अखला, शकुरन हाँ शकूरन, मैंने देखा भी नहीं है, मुझे याद है वेरी कैरेक्टर का गुड. नाम जी। वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, उल्फत कहती है कि चलो ठीक है, मिसेज इखलाक के साथ मैं खाने पे जाती हूँ. तो वो कहती है हाय हाय आप सिगरेट पी रही हैं? तो कहती है मिसेज इखलाक के साथ एक दो बार पिया था तो आदत हो गई. तो वो कहती है मिसेज इखलाक आपका अखलाक खराब करती अच्छा, आप सुना रहे हैं तो मैं बोर हो रही हूँ आपकी बात से। बट इंटरेस्टिंग मोमेंट. हाँ उल्फत तैयार होकर जाती है मिसेज इखलाक से मिलने, प्लेड बाय एंजेलिन मलिक, उन्होंने एक जी, स्पेशल अपीयरेंस किया. जिस रेस्टोरेंट में ये जाती है मिसेज इखलाक से मिलने, उस रेस्टोरेंट में शफक और शाहान भी होते हैं, शाहान, शफक, दादी और उनका बेटा हादी। हादी, हाँ दादी और हादी, ये चारों एंटर होते उसी हैं वही रेस्टोरेंट होता है जैसे उसी ओल्ड रेस्टोरेंट में, रेहान जिस रेस्टोरेंट में वो पहले गए थे। हाँ एक शफक और मिसेज इखलाक होती हैं और चार ये लोग होते हैं बस. अच्छा, और उस रेस्टोरेंट कोई नहीं में होता। वेटर भी नहीं होता, यकीन करें, शायद अच्छा एक अद वेटर होता है, बट वो अच्छा बिल्कुल खाली रेस्टोरेंट पड़ा ठीक हुआ था. है। अब वो उधर बैठी हुई होती है और ये इग्नोर करके इधर आके बैठ जाते हैं. फिर वो हादी जाता है और उसको कहता है कि अम्मा अम्मा आओ ना हमारे साथ बैठ के खाना खाओ. तो वो आ जाती है और खाला को मिलती है. बाकी शाहान उधर से चला जाता है, कहता है कि डू वट एवर आई एम लीविंग. और दादी थोड़ी देर बात करती है उसके साथ, खाला उसकी उल्फत के साथ, और फिर नीचे से शाहान का फोन आता है, आ रही है या नहीं वरना मैं जा रहा हूँ 5 मिनट में. तो फिर खाला भी चली जाती है. और फिर हम देखते हैं कि शाहान, क्योंकि हमेशा जब भी लड़ता है जाके अपोलोजाइज करता है, तो वो फिर अपनी माँ को जाके अपोलोजाइज करता है कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, आप मुझे नाराज ना हो. माँ कहती है जाके उसको ले आओ, वो कहता नहीं मैं उसको नहीं लेके आऊंगा, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, और कुछ खींचना चाहेंगे आप? सॉरी फॉर वेस्टिंग योर यू टाइम, शुड बी, मैंने देखा नहीं इसीलिए कि अगेन सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, वाई, आई अपोलोजाइज, इट्स ओके, आई डू आई एम ऑल्सो अपोलोजाइज, सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू नॉट टू वॉच इट। बट आई रेकन, आई हाय, मुझे वाई ये पता चला कि आप जलन के बारे में बहुत कुछ बात करना चाहती जी, हैं, तो मैं ओवर बात टू यू. ओवर टू मी। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि हसन, देखिए शुरू से हम कह रहे थे
मुझे ये एपिसोड्स बड़ी अच्छी लगी जलन की। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं पहले, कि जलन के बारे में आप दो क्लैरिटीज प्लीज जरा देते हैं, क्योंकि जी पिछली बार एक आपका जो कमेंट था कि निशान को कपड़े इस्त्री नहीं करने चाहिए थे, मतलब अगर नहीं करने तो ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सारी हमारी फीमेल व्यूवर्स ने भी कहा कि अगर कर भी ले तो फिर क्या कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है हाँ, तो वो मेरे ख्याल में एक छोटी जी सी आप अगर एड्रेस करना चाहें उसको। इस चीज को हाँ जी। अगर आप, मैं इससे शुरू करूं? हाँ, एक नहीं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो कर दे, बट शी शुड हैव द चॉइस। अब उस पर कोई मुसलत नहीं किया जाना चाहिए कि जरूर, क्योंकि वो बीवी है तो वो जरूर कपड़े इस्त्री करे, वो जरूर अगर प्यार से करे तो वो 100 बिस्मिल्ला 1000 काम करे अपने मियाँ के। और मगर अगर वो उसको इस नियत से दिए जाएंगे कपड़े कि तुम मेरी बीवी हो और तुम इंफीरियर हो और तुम्हारा काम ही है कि तुमने घर का डोमेस्टिक चोर्स करने हैं, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकती, वो मुझे उस चीज से मसला ठीक है, है, वो पर्सपेक्टिव वो आपका पर्सपेक्टिव है। ठीक। अदरवाइज अगर वो अब करना खवातीन ने चाहती कहा है, हम अपने शौहर के काम करती देखिए हैं। हसन, जहां तक औरतों की बात है ना, मैं उस डिग्री की फेमिनिज्म में नहीं बिलीव करती कि फेमिनिस्ट को ऐसा होना चाहिए और अगर वो ये करे तो वो गलत है। मैं उस फेमिनिज्म में एग्री करती हूँ कि हर औरत को एक चॉइस होनी चाहिए और एक एक तो इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज की, और हर औरत को ये चॉइस होनी चाहिए कि वो अपना ये रास्ता या ये रास्ता चूज कर सके, अपनी मर्जी से अपनी डिसाइड मर्जी से कर सके। अब अगर उसको एक इंतहाई स्टूपिड आदमी के साथ प्यार करना है तो ये उसकी मर्जी है, वो जरूर करे। ये नहीं कि ओहो वो क्यों कर रही है तो ये फेमिनिस्ट नहीं है, इस तरह नहीं है। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, और अगर वो अपने मियाँ का काम करना चाहती तो वो भी कर डिसाइड जरूर करती। करे। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। ठीक तो है अगर वो, अगर निशा अपनी चॉइस से करती है, मर्जी से करती है, जरूर करे। मगर जब वो नहीं करना चाहती तो उसको ये कहना कि नहीं तो मेरी बीवी हो तो मैं जरूर ये करना है, वो मैं उस चीज से डिसएग्री ठीक। करती हूँ। छोटी सी बात दूसरा है। पॉइंट मैं आपको चाहूंगा कि आप रेफर करें कि हमने पिछली बार रिच बॉय स्टार्टर पैक की बात की, जी तो बहुत लोगों ने कहा कि हम फहद शेख का इन पर्टिकुलर उनको सिंगल आउट करके उनका मजाक उड़ा रहे थे, जी तो वो अगर आप क्लैरिफाई करना जी चाहें। देखो, पहली बात तो ये कि हमने फहद शेख का मजाक उड़ाया ही नहीं है। हमने जो रिच बॉय स्टार्टर पैक किया, इट वाज जनरली अक्रॉस सो मेनी ड्रामास कि ये स्टीरियोटाइप हो गया है कि जी चाय से कॉफी पे चला जाता है कैरेक्टर, और शलवार कमीज से या टी शर्ट उससे वेस्टकोट चला जाता एमर है। इज नॉट द फर्स्ट और द ही इज नॉट लास्ट द कैरेक्टर दैट वी हैज इन फैक्ट बिकम डिड नॉट रिच, इवन नेम हिम, आई थिंक हमने नाम भी नहीं लिया उसका, अमर का, ना ही कोई तस्वीर लगाई, कुछ भी नहीं। बट हम रेफर बट ऑफ तो कोर्स इट वाज पार्ट ऑफ जलन एंड ही वाज द टेकन एज अ पेग फॉर दिस थिंग। आई हैव टू से, वैसे हसन, एंड दिस इज नॉट फॉर द व्यूअर्स, दिस इज फॉर पीपल इन जनरल, दैट लाइटन अप, लाइटन अप यार, इट्स ह्यूमर। वी आर नॉट रिडिक्यूलिंग एनी एक्टर, वी आर रिडिक्यूलिंग अ इट्स अ कैरेक्टर, कॉमेंट्री इवन इफ ऑन इट्स इट वाजंट इवन अ कैरेक्टर इन स्पेसिफिक, बट इट्स अ कॉमेंट्री ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन टेलीविजन। लाइटन अप, इट्स ओके। एंड इट दिस इजन द फर्स्ट टाइम इट इज हैपन्ड। आई वॉन्ट टू रीइटरेट, ये होता हाँ है, ये बहुत सारे हमने कैरेक्टर्स को देखा है जो कि अमीर होते हैं, और जब वो अमीर होते हैं तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही अमीर होते हैं, तो हम कोई एग्जैक्टली सिंगल आउट नहीं कर रहे थे नहीं, और फहद अगर को। हम कर भी रहे थे, अगर चले सिर्फ जलन में ये कैरेक्टर ऐसा है जो रैग्स टू रिचेस ऐसे गया है और हम उसका मजाक उड़ा भी रहे हैं, तो हम कैरेक्टर क्या उड़ा रहे हैं?